और आप देख रहे हैं वाराणसी के सबसे महंगे इलाके लंका का नजारा रात भर में बदल गया। बीएचयू गेट के ठीक सामने मंगलवार की शाम तक जहां 3 दर्जन से ज्यादा दुकानें आबाद थी, वहां बुधवार की सुबह भूकंप के बाद जैसा नजारा दिखाई देने लगा। व्यापारियों के भारी विरोध और चक्का जाम के बाद भी विकास प्राधिकरण के सामने नहीं चली। रात 12 बजे शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुबह तक चलती रही। अब दुकानों का मलबा जल्द से जल्द हटाने की कोशिशों में प्राधिकरण जुटा है। वीडियो नहीं मान रहा है, लोकल कोर्ट ने हमको स्टे दिया, उसको वीडियो नहीं मान रहा है। वीडियो न जाने किस जिद पे है कि हम इसको तोड़ेंगे, जबकि वीडियो के वीसी ने हाई कोर्ट के जज ने ये ऑर्डर दिया था कि इस प्रीमाइसेस में 4 चीज गलत है। पहला, ये 2 टावर के बीच की जो दूरी होनी चाहिए 9 मीटर होनी चाहिए, जो मात्र 4 मीटर है। दूसरा, जो इसमें कहा गया था कि टोटल 70 फ्लैट बन सकते हैं, लेकिन 18 फ्लैट भी अवैध है। तीसरा, सारे एफआईआर के आधार पर कटरा भी नहीं बन सकता। तो जब बीडीए के वीसी ने आदेश दिया है कि 3 चीज़ें अवैध हैं, तो एक ही के ऊपर कार्रवाई क्यों, एक ही क्यों तोड़ा जाएगा? क्या रसूखदार आदमी को बचाया जाएगा और कमजोर दुकानदारों को उजाड़ा जाएगा? हाईकोर्ट में जान, पहले लोअर कोर्ट ने हमको स्टे दिया, ये क्लियर है, लोअर कोर्ट ने हमें स्टे दिया है, क्लियर लोअर कोर्ट ने लिखा है कि आप इसमें कोई कार्रवाई ना करें। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कम से कहा कि आपका चूंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा आप हाईकोर्ट में जाइए। हाईकोर्ट में जब हम गए तो हाईकोर्ट ने 3 तारीख की हमको डेट दी थी, आज हमारी डेट पड़ी, हाईकोर्ट ने हमको पुनः डेट दे दिया और हाईकोर्ट ने हमको डेट दिया 10 तारीख का। जब हाईकोर्ट डेट दे रहा है, लोअर कोर्ट हमें स्टे दे रहा है, हाईकोर्ट ने हमें 10 तारीख को सुनने का डेट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप जाके हाईकोर्ट में अपनी बात करिए, वो सक्षम कोर्ट है, तब बताइए बीडीए प्रशासन क्यों गुंडागर्दी कर रहा है। के वाइस चेयर में वीसी का कहना है कि लोअर कोर्ट के एसटी को मैं स्टे नहीं मानता। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप लोअर कोर्ट बंद करा दीजिए, सारे न्यायालय बंद करा दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को मानिए। और उन्हीं के न्यायालय में उन्हीं के सक्षम वीसी ने कहा था कि नहीं, ये हमारे 4 चीज अवैध है, मैं कहता हूँ तोड़िए 4। जब मैंने उन वीसी साहब से पूछा कि भाई साहब बताइए आपने बनने क्यों दिया इस कटरे को, अगर कटरा अवैध था तो आपने बनने क्यों दिया, तब इसी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा कि जब आप नक्शा पास करते हैं, उसके बाद जब कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लगाते हैं, पहले ये बताइए कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में कैसे लगाया? दो इतनी बड़ी बड़ी टावर देखिए, बिल्डिंग है जिनके सामने देखिए, वो बिल्डिंग देखिए भाई साहब, उस बिल्डिंग की जो दूरी होनी चाहिए, कभी अगर हादसा होता है तो उस बिल्डिंग के बीच जो दूरी होती है, और वीडियो मानता है कि इसकी दूरी 9 मीटर होनी चाहिए, जो मात्र 4 मीटर है। इस और बीडीए कहता है कि 70 फ्लैट केवल बन सकते हैं एफआईआर के आधार पे, 18 फ्लैट उसमें भी ज्यादा बने हैं, लेकिन चूंकि ये 48 मासूम दुकानदार जो बेचारे जीवको, तो हमसे कहते हैं बीडीए साहब वीसी साहब कि यहाँ पे हमको ओपन लैंड छोड़ना है। हमने कहा सर 38-40 दुकान है, 267 कर्मचारी मिलाकर के हैं यहाँ पे, 267 परिवार, मानी 1700-1800 लोगों को मार करके घास लगाएंगे, ये कौन सा न्याय है? Yeah!
चाहता हूँ कौन सा विकास है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। और जिस देश में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री इतने परेशान होते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है, विपक्ष रो रहा है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, 267 परिवार को मार के 14 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जीवंत आदमी को मार करके घास लगाया जाएगा। अगर अगर छोटे न्यायालय, यहाँ का लोकल कोर्ट बेकार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेकार है, हाई कोर्ट बेकार है, सुप्रीम कोर्ट बेकार है, तो मैं एग्जीक्यूशन बॉडी से कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय, सारे न्यायालय बंद कर दिए जाए और विकास प्राधिकरण को ही सारा न्यायालय मान लिया जाए, डीएम को ही सारा न्यायालय मार करके 32 लाख जो बनारस की आबादी है इसका नाम वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी न करके वाराणसी डिमोलिशन अथॉरिटी करके सबको मार के नष्ट कर दिया जाए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ।